हेलो फ्रेंड्स, घर गैलेक्सी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम भिंडी लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर पोंछकर इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 काजू लिए हैं, यह ऑप्शनल है। 6 से 7 लहसुन की कलियां ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 बड़ी हरी मिर्च लिए हैं मैंने, धनिया लिया है जिसे बारीक काट लिया है, यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिन्हें रफली चॉप कर लिया है, और 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जिन्हें रफली चॉप कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने मिर्ची थोड़ी ज्यादा ली है, क्योंकि हम प्याज और टमाटर इक्वल क्वांटिटी में यूज करते हैं तो सब्जी में थोड़ा सा मिठास आ जाता है, जिसे बैलेंस करने के लिए हम मिर्ची थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे। मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और गरम मसाला। खड़े मसालों में चाहिए 2 तेज पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1/2 चम्मच जीरा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, जिसमें मैं रफली चॉप किए हुए प्याज और टमाटर ऐड कर लेती हूँ। तो गाइस, ये फुल हो गया है, मैं इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे इसमें थोड़ा और स्पेस बन जाएगा। तो स्पेस बन गया है इसमें। बाकी के इंग्रेडिएंट डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ लहसुन की कलियां ऐड कर ली है, अदरक, हरी मिर्च यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 1/2 ही हरी मिर्च ले रही हूँ। और काजू, काजू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया ले लेंगे, यहाँ पे मैं 1/2 ही यूज कर रही हूँ, 1/2 गार्निशिंग के लिए मैं रख लेती हूँ। तो इसे ग्राइंड करके अच्छा बारीक पेस्ट बना लेंगे हम। इस तरह से बारीक पेस्ट बना लिया है मैंने। अब भिंडी को हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, ये लगभग 5 चम्मच तेल है, और मैं इसमें भिंडी डालकर इसे फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहे तो आप इसे थोड़ा कम ऑयल यूज करके शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और भिंडी को हम फुल फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस तरह से चला चला कर हम भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम भिंडी को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। हम भिंडी को थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। भिंडी फ्राई करने के बाद इतना ऑयल इसमें बचा हुआ है, हम इसी में अपने आगे सब्जी बनाएंगे। खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं मैंने, तेज पत्ता, जीरा और दालचीनी, मिर्ची ऐड कर लिया है। खड़े मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जो पेस्ट बनाकर हमने तैयार किया था, अब मैं इसे ऐड कर लेती हूँ।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेती हूँ। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड कर लेती हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे कलर बहुत ही अच्छा लगेगा और तीखापन कम होता है इसमें। और एक चम्मच गरम मसाला है इसमें। साथ ही मैं यहाँ पर नमक ऐड कर दे रही हूँ जिससे हमारा मसाला भुनने में कम टाइम लगेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस इसमें पेशेंस वाला काम ये है कि हमें मसाला अच्छी तरह से लो फ्लेम पर बहुत देर तक भुनना होगा। हम इसे जब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए और जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, हम इसे और अच्छी तरह से भूनेंगे। हमको ग्रेवी एकदम ड्राई करनी है। तो इसे बार बार चलाकर और ढककर हम अच्छी तरह से मसाला पका लेंगे। तो देखिए हमारा ग्रेवी बिल्कुल ड्राई हो गया है और अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें से। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। हमें इसी तरह से मसाला फ्राई करना है, भूनना है अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर हमारी फ्राई की हुई भिंडी को ऐड कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ी देर ढककर छोड़ दूंगी। इसे मैंने ढक दिया है। अब देख लेते हैं हमारी सब्जी कैसी है। तो बिल्कुल हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। भिंडी पकाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पहले ही इसे फ्राई कर लिया था। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप जब भी भिंडी के साथ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड कर लिया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।